हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। बहुत ही इजी स्टेप में सीएसवी फाइल बनाना सिखाऊंगा। कल भी मैंने इस पे एक वीडियो बनाई थी जो आपको अच्छी जरूर लगी होगी, और उसी पर आधारित एक और वीडियो, क्योंकि सीएसवी फाइल से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके अलावा टेक्स्ट फाइल से भी क्वेश्चन आता है, बाइनरी फाइल से भी। तो बाइनरी फाइल की बात हम आगे करेंगे, लेकिन अभी बात करते हैं सीएसवी फाइल के बारे में। तो वो सीएसवी फाइल हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो मैं अपना वीएस कोड ओपन करता हूँ, यानी विजुअल स्टूडियो कोड। तो यहाँ पर जाकर के विजुअल स्टूडियो कोड मैंने ओपन किया, देख सकते हैं ये विजुअल स्टूडियो कोड है हमारा, और इसमें एक न्यू फाइल हम लेंगे। तो न्यू फाइल लेने के लिए यहाँ पर क्लिक करके और एक टेक्स्ट फाइल बना लेते हैं, और अब कोडिंग यहीं पे हम करेंगे, ठीक है। तो कोडिंग क्या करना है, सबसे पहले इम्पोर्ट कराना है सीएसवी को। तो यहाँ पे लिखा है इम्पोर्ट सीएसवी, ऐसे लिख देना है आपको, एंटर कर देना है। जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ कोई भी एक बना लीजिएगा, जो भी नाम आप देना चाहें, ठीक है। जैसे आर ई सी नाम से हम बना लेते हैं, इज इक्वल टू का निशान लगाते हैं और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं और एंटर कर देते हैं, नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर बाकी कोडिंग एक नेस्टेड लिस्ट हम क्रिएट कर रहे हैं, और यहाँ पर अपडेट कॉमा में लिख देते हैं नेम, क्या लिख देते हैं नेम लिख दिया, ठीक है। और नेम लिखने के बाद यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर कॉमा लगा देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं वही सेम डेटा लेता हूँ जो पिछले वीडियो में लिया था हमने, यहाँ पे कर देते हैं एज, ठीक है। आप कुछ और भी ले सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं कि यही डेटा आप लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया एज। अब एज होने के बाद यहाँ पे कॉमा देंगे, सिटी कर देते हैं, सी आई टी वाई सिटी हो गया, और ये सिटी भी डिवाइडेड कॉमा के अंदर ही रहेगा, ठीक है। अब ये नेस्टेड लिस्ट क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि ये तो हमारी हो जाएगी हेडिंग और इसके नीचे इसके डेटा आएंगे। तो यहाँ पर अब एंटर करके नीचे आइए और यहाँ पर अब नाम डालते जाइए, जैसे आर ए एम राम कर दिया हमने, ठीक है। और राम जो है डिवाइडेड कॉमा या सिंगलटेड कॉमा के अंतर्गत रहेगा, और इनकी एज है मान लीजिए 34, कॉमा दे दिया। कॉमा देने के बाद यहाँ पे डिवाइडेड कॉमा में देवरिया, देवरिया के रहने वाले हैं तो देवरिया लिख दिया यहाँ पे, और फिर एंटर करके नीचे आइए, फिर यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट बनाइए और स्क्वायर ब्रैकेट बना करके यहाँ पे कर दीजिए श्याम। तो जो भी यहाँ पे नाम देंगे, तो टेक्स्ट फाइल अगर होगी, यानी देखिए सेट ऑफ कैरेक्टर है इसमें, तो इसका मतलब कि ये सिंगल रोटेड कॉमा या डिवाइडेड कॉमा के अंदर रहेगा। अगर कोई केवल इंटीजर वाला बात है तो वहां पर सिंगल रोटेड कॉमा या डिवाइडेड कॉमा नहीं लगाना, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। और ये है मान लीजिए लखनऊ के हैं, तो यहाँ पे एल यू सी के एन ओ डब्ल्यू कर देते हैं लखनऊ, ठीक है। इसी तरीके से और भी रिकॉर्ड देना चाहें तो दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं इसी को कॉपी करता हूँ यहाँ से जाकर के, और कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ, खाली नाम में चेंजेस कर देते हैं, कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी, यानी यहाँ तक हम आ गए हैं और यहाँ पे नाम में चेंजेस करेंगे। यहाँ पे देखिए श्याम है, तो इस श्याम को हटा करके कुछ और लिख देते हैं, लाइक यहाँ पे लिख देते हैं रीता, ठीक है, और लखनऊ की हैं ये, और यहाँ पे श्याम आ रहा है फिर से, तो यहाँ पे कर देते हैं सीता, और ये देवरिया, यहाँ पे कर देते हैं देवरिया डी ई ओ आर आई ए, और यहाँ पे कर देते हैं गोरखपुर, ये श्याम ही हैं लेकिन गोरखपुर के रहने वाले हैं, तो यहाँ पे सिटी का नेम चेंज कर देता हूँ, तो यहाँ कर देता हूँ गोरखपुर। देखिए सी एस बी फाइल हम बना रहे हैं कितने ईजी वे में, देखिएगा जरा। अब ये हो गया, अब यहाँ पर क्या करना है, ऊपर वाला जो ब्रैकेट ओपन हुआ था उसको तो क्लोज कर ही दिया है, यहाँ पर देखिए ये नीचे क्लोज हो गया है, क्लोज करके क्या करना है, एंटर कर देना है, और एंटर करके क्या करना है, यहाँ पर हम फिर से यहाँ पर केवल ओपन नहीं विथ ओपन यूज करेंगे, क्योंकि हमें क्लोज करना नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे विथ ओपन यूज करेंगे। तो ये विथ ओपन यूज हो गया, और यहाँ पर इस सी एस बी फाइल को नाम क्या देंगे हम, इस सी एस बी फाइल को हम नाम देंगे रिकॉर्ड, आर ई सी ओ आर डी, रिकॉर्ड डॉट सी एस बी, क्या देंगे रिकॉर्ड डॉट सी एस बी, डॉट सी एस बी एक्सटेंशन देना मत भूलिएगा, और इसे डिवाइडेड कॉमा में रखेंगे, ठीक है। और जैसे ये डिवाइडेड कॉमा क्लोज होगा तो नीचे कॉमा आएगा, और अब थोड़ा सा और हमें लिखना है, इसके बाद हमारा काम हो जाएगा। हम यहाँ पे मोड दे देते हैं, ये कौन सा मोड है, तो यहाँ पर मोड में हम देंगे डब्ल्यू, डब्ल्यू यानी ये राइट मोड है, ठीक है। आप सिंगल डॉट कॉमा का भी यूज कर सकते हैं, डिवाइडेड कॉमा का भी, लेकिन जो ओपन करिएगा वही क्लोज करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और यहाँ पे लिख कर दीजिएगा, और यहाँ पर कर दीजिएगा आप ये सिंगल डॉट कॉमा ओपन, आप चाहे तो डिवाइडेड कॉमा का भी यूज कर सकते हैं, उसे एक नाम दे दिया एज फाइल, और बाकी को इस तरीके से कर देना है, ये न्यू के बाद लिखना है लाइन, और फिर यहाँ सिंगल डॉट कॉमा ओपन, फिर सिंगल डॉट कॉमा क्लोज, और इसे एक नाम दे दिया है एज फाइल, कॉलन लगा दिया, एंटर करके नीचे आइएगा और यहाँ पर इस तरीके से लिख दीजिएगा। ये देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिख दिया है राइटर इज इक्वल टू सी एस बी डॉट राइटर और फाइल, ठीक है। फिर यहाँ पर आर ई सी नाम से जो हमारी लिस्ट बनी थी उसका नाम दे दिया है, और यहाँ प्रिंट करवा दिया है सी एस बी फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब क्या करना है, लिखेंगे राइटर इज इक्वल टू राइटर इज इक्वल टू ना करके यहाँ लिखेंगे राइटर डॉट, क्या लिखेंगे राइटर डॉट राइटर, ठीक है। फिर एक बार और राइटर लिख करके, और यहाँ लिखेंगे रोज,
ROWS, ठीक है, कई सारी रोज को प्रिंट कराना, इसीलिए रोज, अगर एक होता तो राइटर रो कर देते, ठीक है। और यहां पर हम किसे प्रिंट कराएंगे, तो REC को प्रिंट, मतलब REC ही हम यहां पे चाहते हैं कि इसी में राइट हो जाए सारी चीजें, और एंटर करके नीचे आएंगे और यहां प्रिंट करवा देंगे। क्या प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट करवाएंगे, यहां लिखेंगे CSV फाइल क्रिएटेड, क्रिएटेड ये हमने लिख दिया, और ये इससे CSV फाइल क्रिएट हो जाएगी। तो क्रिएट हुई या नहीं ये कैसे पता चलेगा, जब इसे रन कराएंगे तब, ये तो कॉमा देते चलिएगा, ये ध्यान रखिएगा, यहां पर कॉमा दे दीजिए, यहां पर कॉमा दे दीजिए, और यहां पर कॉमा दे दीजिए, फिर यहां पर कॉमा दे दीजिए, लास्ट में कोई कॉमा नहीं रहता है। तो ये सब दे देने के बाद ये CSV फाइल क्रिएट हो गई है, यहां पर लिखा हुआ आ गया CSV फाइल क्रिएटेड, देख रहे हैं, यहां पर CSV फाइल क्रिएटेड आ गया है। और ये जो राइटर है इसकी इंटेंडिंग सही रखिएगा, बस इतना ही आपको करना है, ये कोड देख लीजिए और ये CSV फाइल बन गई। लेकिन बनी कहां है, तो बनी है यहां पर, ये जो लोकेशन दिख रहा है ना, ये लोकेशन पर आपकी CSV फाइल है, यानी आपको अगर CSV फाइल देखनी है तो खोजेंगे कैसे, तो खोजने के लिए सबसे अच्छा तरीका आपको बताता हूं, यहां पर फाइल पे जाइएगा और फाइल पे जाकर के ओपन फाइल पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही ओपन फाइल पे क्लिक करेंगे तो हमारा फाइल बना था, जो हमारा फाइल बना था वो रिकॉर्ड के नाम से बना था। तो देखिए ये रिकॉर्ड दिख रहा है आपको, यहां पर जाना है आपको और यहां पर राइट क्लिक करके और इसे नोट पैड पर ओपन कर लेना है। नोट पैड पर ओपन करने से फायदा क्या होगा, क्योंकि ये है तो CSV फाइल, और CSV फाइल अगर है तो इसमें कॉमा लगा होना चाहिए। तो देखिए नोट पैड पे ओपन करेंगे तो ये कॉमा लगा हुआ दिखाई देगा, जो हमने लिखा था बिल्कुल वही आया हुआ है, देखिए यहां पर। लेकिन अगर यही चीज एक्सेल पे ओपन करेंगे तो आपको ऐसे दिखाई देगा, ये देखिए ये एक्सेल का व्यू है, ये भी दिखा देता हूं, देखिए ये इस तरीके से दिखाई देगा, देख रहे हैं। तो ये CSV फाइल था और इस तरीके से ये बन जाएगा। और अगर आप बनाना चाहते हैं तो इजिली बना करके दिखा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोड आपको याद रखना है, बस कोड आपको ऐसे लिखना है, ये कोड होना चाहिए, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि इसमें कुछ और रिकॉर्ड इंसर्ट कर दें, तो जैसे मान लीजिए मैंने इसे यहां से उठाया और यहां से कॉपी कर लिया, ठीक है, यहां से कॉपी कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, और इसे नीचे पेस्ट कर दे रहा हूं। यहां पर चेंजेस हम कर लेंगे, जैसे यहां पर नाम हम चेंज कर लेंगे, जैसे मान लीजिए नाम यहां पर हम कर देते हैं राजीव, एक नाम और लिख देते हैं यहां पे RAJEE, तो ये लिख दिया राजीव, इनकी एज भी चेंज है तो यहां पे एज भी चेंज कर लेते हैं, यहां पे कर देते हैं 53, ठीक है। और ये मान लीजिए गोरखपुर के नहीं है, ये है दिल्ली के रहने वाले, तो यहां पे DELHI कर देते हैं, दिल्ली हो गया। अब क्या करना है, तो अब जो है इसको अगर रन कराते हैं तो क्या होगा, देखिए ये जो फाइल हमारी बन गई है इसमें ये भी इंक्लूड हो जाएगा। तो जब इसको रन कराएंगे तो देखिए यहाँ पर ये जो है CSV फाइल हमारी बन जाएगी, और जब बन जाएगी तो फिर ये रन भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कॉमा जरूर दे दीजिएगा, कॉमा मत छोड़िएगा, नहीं तो इस तरीके का एरर एक आपको इशू हो जाएगा। तो जब कॉमा लगा देंगे तो ये आपका एरर खत्म हो जाएगा और यहाँ पे फिर से CSV फाइल बन जाएगी। और जब बन जाएगी तो वही करना है आपको, फाइल पे जाना है और यहाँ से ओपन फाइल पे जाना है। तो इस बार भी हमने किस नाम से बनाया है, रिकॉर्ड, रिकॉर्ड को ही हमने अपग्रेड कर दिया है, पाइथन है या रिकॉर्ड है एक बार चेक कर लेते हैं, फाइल का नाम क्या है। तो देखिए ऊपर फाइल का नाम दिया गया है यहाँ पे record.csv, तो हमारा फाइल का नाम है रिकॉर्ड, और यहाँ से जाकर के और इसे ओपन विथ कर लेते हैं किस पे, नोट पैड पर, तो आपको कॉमा लगा हुआ दिखाई देगा। और यहाँ देखिए राजीव 53 साल और जो दिल्ली एंटर किया था वो यहाँ पर एंटर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जब आप इसे नोट पैड पे ओपन करेंगे तभी ये कॉमा लगाता हुआ दिखाई देगा, और तभी ये बात सत्य होगी, तभी ये बात आपको समझ में आएगी कि यही है CSV फाइल, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ पूरी वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर कीजिएगा, कोड जरूर याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।